हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं altnews.in। और मेरे साथ इस बार दो लोग हैं, दोनों लोग अपने अपने घरों में हैं, मैं भी अपने घर में हूं। हमारे साथ में हैं ऑल्ट न्यूज साइंस की फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर सुमैया। और डॉक्टर सुमैया इस टाइम स्वीडन में हैं, जहां पर शाम होने वाली है, राइट? जी, शाम यहां भी होने वाली है। ऑल राइट, ओके। सो सुमैया न्यूरो साइंस में शी हैज अ पीएचडी और दिमाग की बहुत सारी चीजें इन्हें मालूम है। और हमारे साथ में है प्रतीक सिन्हा, को फाउंडर ऑफ ऑल्ट न्यूज, और फेक न्यूज के बारे में इन्हें बहुत कुछ मालूम है। सो हम एक साइंस और एक फेक न्यूज के बारे में, जिसे बहुत सारा पता है, उन दो लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कोरोना वायरस के टाइम में। सो सबसे पहले जो मिस इन्फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी, एक तरीके से जो सबसे ज्यादा फैला था, आई मीन डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, कोई इधर उधर का कुछ नहीं। सो या जो था कि 14 घंटे का जनता कर्फ्यू होना था, राइट? एंड उसमें ऐसा बोला गया था कि 12 घंटे वायरस जिंदा रहता है और उसके बाद 14 घंटे का कर्फ्यू है, तो मतलब वो 12 घंटे में मर जाएगा, हम लोग तो घर के अंदर रहेंगे, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये मतलब मजाक में नहीं कहा गया था, पीपल वर बिलीविंग इट, सेलिब्रिटीज वर मेड वीडियोज अबाउट इट और उन्होंने ट्वीट किया और इधर उधर डाला। So yeah, that's how the misinformation started, and हम वहां से काफी लंबी जर्नी तय करके आ चुके हैं, राइट? हेलो सुमैया, yeah, do you want me to say something about this? Okay, yes, if you, I did not look at it as a question, I thought you were still going on. अच्छा, all right, so the thing is के जो मिसइंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी इन इन एक सिली दिखने वाले मैसेजेस के साथ, वो फिर वहां से होते हुए आर्सेनिकम 30 और आयुष मिनिस्ट्री ने जो भी दवाइयां बताई, जो होम्योपैथी के बारे में बताया और इन सारी चीजों के बारे में बताया, उसमें जाकर, बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, बिकॉज आर्सेनिकम 30 इससे पहले पॉपुलर कल्चर में ऐसे सुना नहीं गया था। And all of a sudden, arsenicum 30 आया and people started believing it कि हाँ भाई इससे कुछ हो सकता है, and that is how it all started. जी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगा था उस वजह से वहां से मिसइंफॉर्मेशन शुरू हुई थी। जैसे ही पता चला लोगों को ये चाइना से इस तरह का, वुहान से इन पर्टिकुलर इस तरह का वायरस निकल के आ रहा है, लोगों को इस तरह की जो डिसीज है COVID-19 जिसे आप कहते हैं, वो एक ग्लोबल स्केल पे एक एपिडेमिक बन रहा है, इतने लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ गई है आजकल, तो जैसे ही वो पता चला, आई थिंक जनवरी के एंड में 29 जनवरी को आयुष मिनिस्ट्री ने एक एडवाइस रिलीज की थी जिसके अंदर आर्सेनिकम 30 था। ऐसा नहीं था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था पहले, पर एक छोटी होम्योपैथी कम्युनिटी को पता था और शायद थोड़े बहुत लोग उसके बाहर, पर अब क्योंकि जैसे COVID-19 की तरह पहले इस तरह का वर्ल्ड पेंडेमिक तो कई साल पहले आया था, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, पर अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से चीजें इतनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, बुरी और सही दोनों, तो उस वजह से हर जगह आर्सेनिकम की बातें होने लग गई। पर इसके अलावा भी आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत सारी और भी मेडिकेशंस, जो ट्रीटमेंट सिस्टम्स जो हमारे हैं इंडिया के, जैसे आयुर्वेद है और यूनानी है और सिद्धा है, उन सिस्टम्स में से भी बहुत सारी इस तरह की ट्रीटमेंट्स, क्योर नहीं, ट्रीटमेंट्स बताई गई थी जो उनके हिसाब से इम्यूनिटी इंक्रीज करती है और आपको इन्फेक्शन ना होने की चांसेस बढ़ाती है, तो वो 29 को निकाली थी। जनता कर्फ्यू बहुत बाद में हुआ था उसके, और उसके बाद से मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की फैलने लग गई कि ये वायरस खत्म हो जाएगा 14 घंटों में, पर रिसर्च ने बताया है कि 2 से 3 दिन या उससे भी ज्यादा ये वायरस कई कई सर्फेसिस पे रह सकता है। तो अगर 14 घंटे में हमने किसी को हाथ नहीं लगाया और कुछ नहीं, तो ये वायरस का फैलना बंद हो जाएगा, पर ऑब्वियसली सबको पता है कि ऐसा हुआ तो नहीं। इंडिया में अभी इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं और 14 घंटे ने कुछ नहीं किया है, तो ये हमें लगातार एक लॉकडाउन में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये वायरस कहीं नहीं जा, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला था। ओके, सो इस दौरान मुझे दो चीजें जो स्ट्राइक करी, वो एक ये था, दो पॉइंट थे।
वन वॉज के ये बताया गया कि इंडिया में जो पॉपुलर ऐसे किसी को क्योर करने का या फिर किसी का इलाज करने की जो दो कल्चर है, एक होम्योपैथी और एक आयुर्वेदा, इसके बारे में बहुत बात हुई, लगातार इस पे जोर डाला गया कि इन लोगों के पास जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के पास इसका इलाज है या फिर वो इसे क्योर कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। एंड दूसरा ये जिस पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया था वो था इम्यूनिटी। सो जो ये इंडिया के ये पर्टिकुलर फील्ड है उसके बारे में हम प्रतीक से बात करेंगे, हिलनो के वो उसको फैलने का क्या पैटर्न था उस मिस इन्फॉर्मेशन के, बट अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें, क्या ऐसा शुरुआत में बहुत कहा गया कि जैसे छोटे शहरों में लोग ऐसा बोलते थे कि अरे हम तो पान मसाला खाते हैं, हमारी तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, लोग ऐसा बोलते थे कि हमने तो बचपन में मिट्टी में खेला हुआ है, एक वायरस के हमने तो बहुत सारे वायरस झेले हुए हैं, ये सब कुछ। सो इम्यूनिटी का क्या रोल है इस पूरे उसमें, राइट? क्या एक इंसान जिसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है क्या वो कोरोना वायरस से बचा रहेगा, या उसके will he be more resistant, या क्या सीन? जी, तो एक और भी खबर आई थी कि इंडियंस के पास ऐसे जीन्स हैं जो इम्यूनिटी हमारी इस वजह से ज्यादा होती है, तो और क्योंकि हमारे एक्सपोजर जो है इंडियंस का पोल्यूशन से लेके हर हर तरह की मिट्टी, हर तरह की चीजें हम इनहेल करते हैं, तो उस वजह से इम्यूनिटी हमारी वैसे ही बढ़ी हुई होती है, स्पेशली ये जेनेटिक एस्पेक्ट जो है। और एक रिसर्च स्टडी से इसे निकाला था जिसमें ये बहुत अच्छी जर्नल में पब्लिश हुई थी, और इस स्टडी में कोई गलत बात नहीं थी, उससे जो कंक्लूजन निकाले थे कि इंडियंस के पास ज्यादा इम्यूनिटी है क्योंकि इनके पास ये जीन मौजूद है, ऐसा नहीं होता। उनके पास, इंडियंस के पास ये जीन जरूर ज्यादा पाए जाते हैं, पर इसकी वजह से ये नहीं है कि वो इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि जीन का और उस फंक्शन का जो है एक्टिवेट होने में बहुत बहुत अंतर होता है, जीन के होने से कुछ नहीं होता सर। तो जैसे आपने भी बताया कि ये आयुष की जो ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं होम्योपैथी और आयुर्वेदा स्पेसिफिकली, इन दोनों को लेने से या और दूसरी लेमन हो गया, नींबू के साथ आपने गर्म पानी ले लिया, ये सब चीजें करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये गलत फहमी है। इम्यूनिटी बढ़ना और इन्फेक्शन ना होना, इसमें भी ये भी एक बहुत बड़ा होक्स है जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हमें सेल करते हैं। एक बात तो ये है कि इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, जो इम्यूनिटी बढ़ना वो कॉन्सेप्ट भी एक इन अ वे फॉल्स है, क्योंकि जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल जो एलर्जीज होती हैं हमें, वो ऐसे भी होती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है और इन चीजों को हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है जो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे डस्ट वगैरह है और पोलन्स हैं और इन चीजों की जो एलर्जी होती है, नट्स की एलर्जी होती है, पीनट्स की, कैशू नट्स की, तो वो इम्यूनिटी हमारी बढ़ी हुई है और उन चीजों को वो एज एन यू नो रिकॉग्नाइज कर रही है, एक बाहर का एक सब्सटेंस है जो इन्हें नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो वो एक इम्यूनिटी बढ़ी हुई, तो एक बैलेंस होना चाहिए इन चीजों में, कि ऐसा नहीं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी हेल्दी फंक्शनल लेवल पे होनी चाहिए, और वो बहुत कुछ चीजें जो है वो कर सकती है, उनमें से ड्रग्स नहीं है, उनमें से ये नहीं है जो आयुर्वेदा और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट्स बता रहे थे, वो स्लीप है, विटामिन डी इनटेक है, हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज है, इस तरह की चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रख सकती है, और जैसे दूसरी डिसीजेज ना हो आपको जो इम्यून फंक्शन आपका लो करते हैं, जैसे लिम्फोमा हो गया, कैंसर हो गया एक तरह का, या ब्लड बोन मैरो का कैंसर हो गया, या इम्यून सेल का कोई कैंसर हो गया, या आपको HIV हो गया, वो इम्यूनिटी आपकी लोअर कर सकती है, पर ये जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं वो खाने से ऐसा कोई रिसर्च में नहीं बताया गया। और सिर्फ ये होम्योपैथी और आयुर्वेदी नहीं, आयुष सिस्टम जो है वो है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा, और इन सब सिस्टम्स में से कोई ना कोई इलाज निकाला गया था। और अभी जैसे गोवा के अंदर जो जो हमारे आयुष के मिनिस्टर है, जो है मिस्टर श्रीपद नाग, वो गोवा के हैं, और वो गोवा के अंदर आयुष मिक्स करके, आयुष के जो कुछ ट्रीटमेंट सिस्टम्स है वो मिक्स करके हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ एक ट्रायल्स रन कर रहे हैं COVID-19 पेशेंट्स के ऊपर, जो वो ये दिखाने के लिए कि ये इंडिया में सबसे पहली बार हो रहा है वैसे, और ये के ये COVID-19 इससे ट्रीट हो सकता है, तो इन सब भी हो रहा है, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है, उनकी देखरेख में हो रहा है।
जी जी बिल्कुल, ये इनकी देख रेख में हो रहा है और गोवा के अंदर सबसे पहले अभी उन्होंने शुरू की है इस चीज को। तो ये जो मिथ है सिर्फ लेमन या वाटर या इस तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने की ड्रग्स या पान मसाला जैसे आपने कहा उससे लिमिटेड नहीं है, ये बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है और ये सबको इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड हम रिलाई कर रहे हैं हमारे एविडेंस बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर, हम इन चीजों पे रिलाई कर रहे हैं जिनका कोई एविडेंस है ही नहीं। क्योंकि 29 जनवरी को जब इन्होंने हर सिस्टम से, होम्योपैथी तो एक चीज है, हर सिस्टम से आयुर्वेदा यूनानी सबसे एक एक ट्रीटमेंट निकाल दिया था या कई निकाल दिए थे ट्रीटमेंट्स, तब तो ये टाइम था जब हमारे पास इस वायरस का एक जीनोमिक कोड भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि ये वायरस दूसरे वायरस से कितना मुख्तलिफ है, कितना डिफरेंट है और उसके कोई बिल्कुल। और ये सिर्फ आयुष डॉक्टर्स ही नहीं कर रहे हैं, मैं आयुष कहूंगी क्योंकि होम्योपैथी और आयुर्वेदा डॉक्टर्स, अब हमें आयुष डॉक्टर्स कहते हैं इंडिया में, तो जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री के साथ, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बहुत सारे दूसरे भी यूट्यूब से लेके टिकटॉक से लेके हर तरह के ये डॉक्टर्स निकल आए थे और पता नहीं उनकी प्रैक्टिसेस हैं या नहीं, किस तरह की है, या वो रजिस्टर्ड हैं या क्वैक्स हैं, हमें ये नहीं पता, पर वो हर जगह पे वीडियोस इस तरह के बनाने शुरू कर गए थे कि हम ये डॉक्टर हैं और इस चीज से होम्योपैथी या आयुर्वेदा या कोई भी ट्रीटमेंट सिस्टम से हम COVID-19 को क्योर कर सकते हैं और हमारे यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं जो हम ये इन्हें देते हैं और ये क्योर भी कर रहे हैं। पर ये बात अलग है कि COVID-19 सबको अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, उसमें जो एक्सट्रीम एंड में जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत कम है और ज्यादातर लोगों को ये एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन लगता है, हो सकता है वो ट्रीट हो रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आयुष सिस्टम में ट्रीट हो रहे हैं। ओके, इनफैक्ट ये भी हुआ है ना कि किसी को सपना आया था अभी बीच में और कि कोई आयुष ट्रीटमेंट का, और आयुष मिनिस्ट्री वहां पहुंच गई और उस बोला है कि उसको टेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी हुआ है, कल ही शायद न्यूज में आया था कि किसी को सपना आया और बाद में ये आयुष मिनिस्ट्री वहां पहुंच। अभी तक तो हमने सपने पर कहीं पर सोना खोदा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये सपने पर पहले सोना खोदा है, शायद वो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में भी हुआ था कि सपनों पे कुछ, और अभी रिसेंटली और कुछ भी, बट ये भी सपने में हम लोग मेडिकेशन जिनको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, मतलब इनको तो ये नहीं होता कि सपने में कुछ भी आ जाए, उनके कोई कई सारे नंबर्स गलत थे और कल मैंने सारा दिन वो न्यूज देखी है, उनके इलेक्शन के नंबर्स गलत थे और मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें मैं मैथ्स पढ़ा रही थी कल, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल है। तो हम इस तरह की इतनी ज्यादा अंधविश्वास पे हम यकीन करने लग गए हैं आजकल के, और बिल्कुल साइंस हमारे काफी दूर रखा हुआ है पिछले काफी। अब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीजों का अभी ये पैंडेमिक के टाइम पे, पहले कोई कहते थे चलो चार उन्होंने आयुर्वेदिक के चूर्ण ले लिए तो उससे कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, पर अब ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि लोगों को ये गलत फहमी हो सकती है कि वो ठीक हो रहे हैं या हो गए हैं या उन्हें ये होगा ही नहीं कभी, और वो बहुत सारा रेकलेस बिहेवियर जो होता है उससे एनकरेज करता है, आप किसी को मिल सकते हैं ज्यादा क्योंकि उन्हें लगता है डिनायल में जी रहे हैं कि नहीं हमें ये नहीं, तो दिस इज मोर डेंजरस नाउ देन एवर। अच्छा, सो मुझे सिंस यू टॉक्ड अबाउट अ वीडियो, मेरे दिमाग में एक वीडियो है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, बट आई विल कम टू प्रतीक। अभी हम जो बात कर रहे थे कि होम्योपैथी और एक्चुअली लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो इंडिया में जिन चीजों का ओरिजिन हुआ या फिर जिन वो चीजें वो फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है, यहीं पे उन्हें पाल पोस के बड़ा किया गया है, ऐसा बताने की कोशिश करी जा रही थी कि कोरोना वायरस का इलाज है उनके पास। जैसे एक बीच में ये भी बात चली थी कि प्रिंस चार्ल्स को आयुर्वेद ने सही किया है, राइट? होम्योपैथी नहीं, होम्योपैथी ने सही किया, होम्योपैथी ने, हाँ होम्योपैथी ने, हाँ। सो इसमें आपने क्या पैटर्न देखा है इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का, और एक पैटर्न ये भी है कि इसे एक पर्टिकुलर तरह के लोग इसे स्प्रेड कर रहे हैं एंड दैट जो यूके की जो होम्योपैथी एक
यूनिट है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे लिख दिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया था प्रिंस चार्ल्स को फॉर गेटिंग वेल, और उसमें एक पेज को टैग किया था विच सेज होम्योपैथी वर्क्स, और उसी को लेके एक पूरी न्यूज बना दी गई थी। उसे मनीष तिवारी जो कांग्रेस के, उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कि इफ होम्योपैथी वर्क्स वी शुड, यू नो, वी शुड लुक इनटू दिस। और बाद में हुआ था कि बैंगलोर में कोई प्रिंस चार्ल्स वैसे ये होम्योपैथी और आयुर्वेद में विश्वास रख रहे हैं काफी सालों से, वैसा मैंने सुना है। तो वो किसी बैंगलोर के किसी तो किसी बैंगलोर में कोई है आयुर्वेद, उनसे कॉन्टैक्ट में भी है। तो जो हम लोग के मिनिस्टर है श्रीपाद नायक, उन्होंने ये बता दिया कि ये जो बैंगलोर में है, जो उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद से ठीक हुआ, तो पहले ये होम्योपैथी से शुरू हुआ, बाद में आयुर्वेदा में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे करते करते न्यूज बन गई। बट ये जो रूमर मॉन्गरिंग से न्यूज बनती है, उससे ज्यादा डेंजरस है अभी जो यूट्यूब। सुमैया, वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में बिफोर आई गो फर्दर? नहीं, मतलब ये सही था, और उसके बारे में बता चाहूँ कि वो फैक्ट हुआ था, और ये बताया गया था कि रॉयल जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस लाइन है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था और बताया गया था कि ऐसी कोई होम्योपैथी लेके चार्ल्स को ठीक नहीं किया COVID-19 ने, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था, क्योंकि जो आयुष के मिनिस्टर है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दिया था कि होम्योपैथी ने प्रिंस चार्ल्स को ठीक किया है, और उन्होंने तो यू नो NHS पर रिलाई किया, जो जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है UK का, उन पे रिलाई किया था, जैसे बोरिस जॉनसन ने भी NHS को थैंक कहा था, थैंक यू कहा था आफ्टर यू नो जो COVID-19 उन्हें भी हुआ था। तो और NHS UK के अंदर होम्योपैथी यूज नहीं करता, उसने ये बहुत टाइम से होम्योपैथी को एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि UK में और कहीं और भी यूरोप में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में होम्योपैथी निकल गया है। इनफैक्ट NHS की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, NHS की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कोई होम्योपैथिक क्योर ऐसा नहीं है। तो उससे बड़ा कि NHS इसको सपोर्ट नहीं करता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं जस्ट 2 मिनट इसके बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या पैटर्न ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रहा है। ये तो एक उड़ती उड़ती खबर जो बन गई, और ये पहली बार नहीं हुआ मेनस्ट्रीम मीडिया में, बट उससे ज्यादा डेंजरस है कि ऐसे काफी क्वैक्स, और वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, और यूट्यूब चैनल या फेसबुक, अभी क्या हो गया कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों मोनेटाइज करते हैं वीडियोस की। अगर मैं कंटेंट प्रोड्यूसर हूं तो मुझे पैसा मिलेगा अगर मेरे वीडियो, यानी इफ आई एम अ पॉपुलर इनफ कंटेंट प्रोड्यूसर तो मुझे पैसा मिलेगा। और अभी जैसे बीच में हैंड सैनिटाइजर का इशू हो गया था कि हैंड सैनिटाइजर की कमी हो गई थी, और हैंड सैनिटाइजर में ये बोला जाता है कि एटलीस्ट इफेक्टिव होने के लिए 60% मिनिमम अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन ढेर ढेर वीडियोस हैंड सैनिटाइजर्स के बनने लगे कि घर पे कैसे हैंड सैनिटाइजर बनना है। तो ये भी है कि एक पैंडेमिक के टाइम यूट्यूब खैर बोलता है कि वो मोनेटाइज नहीं कर रहा, मगर और एक आर्टिकल आया है रिसेंटली रिसर्च करके कि कुछ कुछ ही वीडियोस को डीमोनेटाइज किया गया है, वैसे लगभग काफी वीडियोस को मोनेटाइज किया गया है। जैसे न्यूज में बोल दिया गया कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि आर्सेनिक एल्बम 30 लेना है, तो वो डीमोनेटाइज नहीं होगा, यानी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो डीमोनेटाइज हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये भी है कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे के पैसा कमा रहे हैं, और ये एक एक दो नहीं है, और बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। जैसे एक यूट्यूब पे वो खुद को डॉक्टर बताते हैं, वो अभी सुदर्शन न्यूज में भी आने लगे हैं, उन्होंने तो पहले यही कह दिया था कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है, देखो ये तो कोल्ड फ्लू जैसा ही है, कुछ नहीं होगा, और अभी वो सुदर्शन न्यूज पे भी आते हैं। तो ऐसे काफी, जैसे टिकटॉक स्टार्स है वैसे यूट्यूब स्टार्स भी है। टिकटॉक का तो अलग प्रॉब्लम है, मगर यूट्यूब में क्या लॉन्ग आप लंबी वीडियोज बना सकते हैं और चालू करके कुछ भी कह दो, और वो लोग सुनते हैं, और ये ओवर, यानी धीरे धीरे ये लोग स्टार बन जाते हैं, इन लोग को एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है लोगों की नजर में, और बाद में वो लोग टीवी पे आने लगते हैं एज स्पेशलिस्ट। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि यूट्यूब इवन पैंडेमिक के टाइम पे इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फेसबुक का भी प्रॉब्लम है, मगर अभी तो यूट्यूब का स्पेशली प्रॉब्लम है, क्योंकि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन ज्यादा इजी है फेसबुक के कंपैरिजन में। स्पेशली तो आप रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में हम देखते हैं किस तरह से यूट्यूब
रीजनल लैंग्वेजेस में ढेर सारे वीडियोस निकालता है, और ये हम कभी भी काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान हर लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे कोई फैक्ट चेकर है और हम तो सारे वीडियोस नहीं देख सकते और ये नहीं बता सकते कि कौन सी रियल इन्फॉर्मेशन या कौन सी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं और इतनी ज्यादा तरीकों से अलग अलग तरीकों से रीजनल कॉन्टेक्स्ट के साथ उन्हें बताया जाता है कि ये सारी ट्रीटमेंट थेरेपीज हैं जो जो हमारे सिस्टम में एक्सेप्टेबल भी हैं, तो ये ज्यादा हमें नुकसान कर सकती है ये चीजें। या सो यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें ये भी यहीं पर बता देना चाहिए कि जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कि आप ये बना लीजिए वो बना लीजिए ये दवा ले लीजिए वो दवा ले लीजिए, उन पर विश्वास नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो मिलता है और आपका मन कर रहा है कि चलो इस पर विश्वास कर लेते हैं तो पहले वेरीफाई कर लीजिए, मतलब वो वाला मामला है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और वेरीफाई कैसे करना है तो उसके लिए ये है कि जो लोग जिन्हें जानकारी है उनसे पूछें या फिर हमें भी भेज सकते हैं, ऑल न्यूज को भी भेज सकते हैं ऐप पर और व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, सो आप वहां पर भेज सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बड़ा केस ये भी देखने को मिला है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी बहुत सारी चीजें ऐसे इंडोर्स कर रहे हैं जो जिनमें उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, कहता है उन्हें भी कहीं व्हाट्सएप वगैरह से मिला एंड उसके बाद उन्होंने वो आगे बढ़ा दिया और बिकॉज दे हैव सो मच रीच कि वो इतना ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा और जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई थी वो था एक वीडियो जो कि अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया, जो कि ऑब्वियसली मतलब सिंस वो एक फेस हैं उसके स्वच्छ भारत अभियान के, तो उन्होंने ये बताया था कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे कोरोना वायरस किस तरीके से फैल सकता है, एंड देन इट वॉज इंडोर्स बाई द आयुष मिनिस्ट्री एंड वो सब कुछ। सो इस तरह का जो उन्होंने एक रिपोर्ट के भी बारे में बताया था, तो इस तरह का क्या कुछ भी अभी तक ऐसा देखने सुनने को मिला है या फिर कुछ भी, बिकॉज आयुष मिनिस्ट्री बिकॉज हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसके बाद तुरंत ही उसे मना भी कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब हम इन्फेक्टेड होते हैं तब हमारे हर बॉडी सिक्रीशन के अंदर वायरस होता है, दैट इज जस्ट जैसे हमारा सलाइवा है क्योंकि इस वजह से हमें कहते हैं मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि हम सलाइवा के थ्रू, वैसे जैसे यूरिन वगैरह के अंदर वायरल शेडिंग होती है और एक्सक्रीटा में भी फेसेस में भी वायरल शेडिंग हो सकती है, तो ये तो जरूर मान के चल सकते हैं कि वायरस उसमें निकल रहा है हमारी बॉडी से, पर ये हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से ह्यूमंस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उन उन फीसिस से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोगों से, हमें तो नहीं पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, तो बिना जानकारी के कि ये हमें कॉन्टेमिनेट कर रहा है, हम क्या इसे इंजेस्ट कर रहे हैं या ये सिर्फ ऐसे ही कहीं वेस्ट पड़ा है और उस वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूर ह्यूमन वेस्ट पड़ा हुआ है और उस वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसे इंजेस्ट करना या हमें कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि सेलिब्रिटीज कुछ भी कह देते हैं और उनकी रीच होती है तो उस वजह से ज्यादा चीजें बढ़ जाती है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जब किसी ऐसी चीज को एंडोर्स करते हैं और गवर्नमेंट उसे एम्फसाइज करती है उस बात पे तो वो न्यूज चैनल्स में भी चल जाता है, जैसे वो आयुष मिनिस्ट्री ने जो होम्योपैथी को एंडोर्स किया था वो आधा आधा घंटा कई सारी रीजनल न्यूज चैनल्स ने चलाया था, आधा आधा घंटे का एपिसोड सिर्फ एक ड्रग के ऊपर, और ऐसी कई चीजें पहले भी हुई है, जैसे डायबिटीज की एक ड्रग आई थी जो आयुर्वेदिक ड्रग थी BGR-34 करके, और वो सारी ड्रग्स मिस्टर मोदी ने भी खुद एक वीडियो में एंडोर्स किया था और वो चैनल्स पे एक एक घंटे की उनके चलाए गए थे और हमने भी देखा, तो और ऐसी कई सारी स्टडीज भी आई हैं जिन्होंने ये बताया था कि उनका एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो टाइप 2 डायबिटीज में शुगर को रिड्यूस करता है पर ये तो एक्चुअली बढ़ा भी रहा था इन सम केसेस, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है, और ये कहना कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप जो जो मर्जी कर सकते हैं ये खाने के बाद, तो ये बहुत ही डेंजरस चीजें हैं, यू नो एक्सट्रीम डायबिटीज में जो ट्रीट ना किया जाए वो उसकी डेथ भी हो सकती है डायबिटीज की वजह से, तो इस तरह की ड्रग्स जिसका कोई अभी तक कोई रिसर्च
क्लिनिकल ट्रायल की तरह चला ही नहीं है, और चला भी है तो उसमें इतने ज्यादा फॉल्ट्स हैं और उसका डेटा कोई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दिखाया गया है, तो वो जाके मिनिस्ट्रियल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर से लेके आयुष मिनिस्टर्स यू नो नेशनल लेवल पे एंडोर्स करना टेलीविजन पर, ये तो बहुत ही ज्यादा यू नो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। ओके, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, सुमैया से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यू नो जबकि सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी ने भी ये कह दिया था कि गुजरात में इसका इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और ये वायरस ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकता। और आई थिंक ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये कहा था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैजिकली ये डिसअपियर हो जाएगा, वैसा ही डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था। मगर अभी देख सक रहे हैं कि गुजरात अभी नंबर 4 पे है जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस पे है, तो कैन यू शेड सम लाइट कि ये जो टेम्परेचर का जो मामला है वो क्या है? तो वायरस दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेनली, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड होता है, पर एटमॉस्फेरिक जब वेरिएबल्स हम देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर वेरिएबल और ह्यूमिडिटी, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर होने से वायरस का एक स्प्रेड कम हो जाता है, ये गलत भी नहीं है क्योंकि जो वायरस के जो सर्फेसिस जिसे हम फोमाइट्स कहते हैं, जो अलग अलग सर्फेसिस पे जाके सेटल हो जाता है, उस पर अगर आप डायरेक्ट हीट दी जाए तो वायरस एक ऑन इट्स ओन तो नहीं बढ़ सकता कभी भी, बाहर कई घंटों तक बाहर रहेगा कुछ दिनों तक तो वायरस अपने आप मर जाएगा, तो वो हीट के अंदर वो जल्दी डिसअपीयर हो जाएगा। तो आप एक स्प्रेड उसे रोक सकते हैं क्योंकि वो फोमाइट्स आप कम कर रहे हैं हीट के वजह से, पर अगर हमारे अंदर है ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो वो तो नहीं मर रहा ना वायरस, क्योंकि वो हमारे अंदर है और वो होस्ट में है और वो रेप्लिकेट हो रहा है और वहां से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जा रहा है। तो अगर ये प्योरली फोमाइट से अगर इनका इसका ट्रांसमिशन होता तो ये जरूर है कि हीट के वजह से कम हो जाता, क्योंकि अब तो वायरस हमारे अंदर है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम क्योंकि बाहर होता है वायरस और वो मर जाएगा तो हम भी धूप में खड़े रह जाएंगे और ये आधे घंटे तक और वायरस मर जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अच्छा इसका। सो इफ आई एम इन्फेक्टेड तो और उसके बाद मैं धूप में 4 घंटे भी खड़ा रहूं, फिर भी मैं इसे किसी और को दे सकता हूं, राइट? Absolutely, absolutely. All right. So, yeah, I mean, अगर आप धूप में 4 घंटे खड़े रहो तो you might have to go to a hospital for a different reason. You know? Yeah. And then मैं इन्फेक्ट कर दूंगा लोगों को. Yeah. So in the place where you are at, obviously. तो यहाँ तो लोग 6-6 घंटे जितनी धूप हो सकती है यहाँ बाहर होते हैं, तो एनीवे वायरस इस वजह से नहीं रुकता धूप में बाहर जाने से, पर ये जरूर है कि अगर डायरेक्ट यूवी लाइट उस पर डाली जाए तो वायरस मर जाएगा। तो इनको आई थिंक लोगों को समझ नहीं है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और लोगों को समझ नहीं कि ये कैसे रोक सकते हैं हम, तो ये कुछ भी कह देंगे कि हायर टेम्परेचर में, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है वहां पे वायरस का स्प्रेड कम हो गया है, जो हमने दूसरे इस तरह के कोविड की तरह जो पहले एपिडेमिक्स आए थे सार्स हो गया मर्स हो गया उनमें, और जैसे जो अभी हमारे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पे यू नो क्लाइमेट्स के जो कंट्रीज हैं वहां पे स्प्रेड कम हुआ था, जैसे कोरिया का एग्जांपल लिया जाता है, पर कोरिया ने एक बहुत ही इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम और बड़ी इंक्रीज रेट पे उन्होंने टेस्टिंग किया था, हजारों लोगों को एक दिन में टेस्ट करना शुरू कर दिया और उस वजह से उनके हेल्थ सिस्टम ने उसे काउंटर किया, तो उस वजह से वायरस कम हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो है जहाँ पे यू नो दिसंबर और जनवरी के अंदर वहां पे समर होता है क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में है, और उस टाइम पे वहां पे कोविड शुरू हुआ था जहाँ पीक समर होता है, और सिडनी और मेलबर्न जैसी जगहों पे तो कई दफा जैसे न्यू ईयर ईव पे हमने देखा है कि वहाँ 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर वहाँ कोविड हो सकता है जनवरी के पीक समर में, तो वो हायर टेम्परेचर्स में अहमदाबाद में तो अभी सिर्फ 40 हुआ है, तो उस हायर टेम्परेचर्स में बिल्कुल फैल सकता है ये ह्यूमिडिटी एक दूसरी चीज है, अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो घर में अगर ह्यूमिड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हमने बढ़ा दी है तो उससे स्प्रेड कम हो सकता है, पर ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी यू नो ब्लैक एंड व्हाइट चीजों में ना बिलीव करें कि यू नो उस पे हमारा ध्यान जरूर लगाएं कि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बदल सकता है। ओके, सो सिंस अभी हमने बात करी थी इस बारे में कि हाउ सेलिब्रिटीज या फिर बड़े बड़े देशों के जो सबसे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उन लोगों ने कैसे
कई सारी चीजों को एंडोर्स किया है, कई दवाइयों को ऐसे बताया कि आप ये ले सकते हैं उससे फायदा होगा ये सभी। सो उसमें एक नाम है जो कि बड़ा ही मुश्किल है लेना, दो लोगों को मैं जानता हूं जो उसका नाम नहीं ले पाते हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक मैं, हाइड्रोक्सी कोलोक्विल समथिंग क्लोरोक्विन। वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात करते हैं उसका नाम है। तो ये एक इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जादू की छड़ी है कि ये, बिकॉज ये हो गया ना कि यार अमेरिका ने तो मंगवा लिया बिल्कुल ऐसा बोल के कि हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से। तो लोगों को इस पे ये इम्पैक्ट हुआ कि मतलब ये तो कुछ है, मतलब इसमें दम है, ये सही कर देगी, इसीलिए अमेरिका इतना जोर डाल रहा है। क्या ये जादू की छड़ी है, क्या है? बिल्कुल नहीं, वन वर्ड पर ट्रंप ने कह दिया और ट्वीट भी कर दिया और उसके साथ एक एंटीबायोटिक का भी जिक्र किया और ये कहा गया कि वायरल दवा में, वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक एग्जैक्टली ये बेसिक्स है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होता है, ये वायरस है, वायरस बैक्टीरिया से कई गुना, हजार गुना शायद छोटा होता है। और जैसे बैक्टीरिया हमें होस्ट की तरह यूज करता है, वायरस भी हमें होस्ट की तरह यूज करता है, वैसे बैक्टीरिया भी, वायरस भी बैक्टीरिया को होस्ट की तरह यूज कर सकता है, वो इतना छोटा होता है। तो उसमें स्ट्रक्चर में दोनों में बहुत फर्क है और ये आप एंटीबायोटिक से नहीं ठीक कर सकते। एक तो बात ये है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ये बात है कि मलेरिया का ड्रग है, हम बहुत ही लिबरली इसे इंडिया में भी दी जाती है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में स्पेसिफिकली बहुत लिबरली, ये बहुत चीप है, मैन्युफैक्चर करना आसान है, इसके उस तरह के पेटेंट्स नहीं है जैसे बहुत सारे रिसेंट दवाइयों के हैं। तो बहुत आसानी से ये बहुत सिंपल तरीका है कि चलो एक इसका इलाज मिल गया। ये स्टडी थी, एक फ्रांस में हुई थी, साउथ ऑफ फ्रांस में, और वो स्टडी को एक मेडिकल सिस्टम के अंदर, फ्रांस के ही मेडिकल सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। वो जो भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है रिसर्च का, एक क्लिनिकल ट्रायल का, या इवन दूसरे रिसर्च का, एक डबल ब्लाइंडनेस है, यू नो प्लेसिबो कंट्रोल है, आपकी जो कोहोर्ट यूज कर रहे हैं, आपका जो ग्रुप है जिसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं, वो एक जैसे होने चाहिए, उसमें दूसरे वेरिएबल्स ना हो। और हमें तो पता ही है कि ये COVID-19 हर तरह के लोगों में अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, जैसे किसी को एक फ्लू की तरह माइल्ड इन्फेक्शन होगा, किसी की डेथ हो जाएगी, तो एक बड़ा रेंज है उसके अंदर। तो ये एक जैसे लोगों के अंदर इसे टेस्ट करना चाहिए, पर वो सारी चीजें बिल्कुल गायब थी उस स्टडी से। और उन्होंने जिनकी डेथ हो गई और जिन्होंने वो लेना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें नौजिया हुआ था और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको ये बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया उस स्टडी में से। तो जिनकी डेथ हो गई उन लोगों को बिल्कुल निकाल के जो बाकियों में जो ठीक हो गए थे COVID-19 और जिनकी डेथ हो गई थी उनको स्टडी से ही निकाल दिया, उनका डेटा प्रेजेंट भी नहीं किया। तो वो जो स्टडी निकल के आई वो हर तरीके से फॉल्टी है, उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए एज यू नो एनी बेसिस फॉर प्रूफ। तो वो हुआ था। और एक चाइनीज में एक स्टडी निकली थी, हालांकि उनका सैंपल साइज काफी स्मॉल था, उसमें दिखाया गया था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि अगर इसे सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो। तो ये बात हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे ज्यादा यू नो सोशल मीडिया के थ्रू इसे प्रोपगेट कर दिया इस इन्फॉर्मेशन को, और मिस्टर मोदी जंप ऑन द बैंडवैगन और इसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विच इज फाइन। यू नो एक्सपोर्ट तो हमें ड्रग्स करना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे ये एक वर्ल्ड पैंडेमिक है, तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है उन्हें वो शेयर करना चाहिए। पर प्रॉब्लम यहाँ मिस्टर मोदी के साथ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ मिस्टर ट्रंप के साथ है क्योंकि उन्होंने ये प्रोपोगेट किया है और उनकी रीच इतनी ज्यादा है और कि हर वर्ल्ड में हर तरह के लोग प्रोफाइलैक्टिकली इसे ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन ना भी है तो भी आप ले सकते हो। और इनसे डेथ होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, और ये लोगों को शायद ना पता हो पर हेल्थ प्रैक्टिशनर को जो ये मलेरिया के लिए देते हैं उसके बारे में पता है कि ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, इसे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है और डेथ। कार्डियोटॉक्सिक मींस दिल के लिए खराब, हाँ हार्ट के लिए टॉक्सिक है ये नहीं। तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तो उसे देते हैं पर वो एक कंट्रोल तरीके से देते हैं। पर जब आप रिसर्च स्टडी में ये बताया कि आप प्रोफाइलैक्टिकली अगर आपको इन्फेक्शन नहीं हो तो भी आप ये ले सकते हैं अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो एक वर्ल्ड लेवल पे अगर मिस्टर ट्रंप जैसे एक बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर ने
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है, तो सब लोग अगर ये लेने लग गए तो इवन इफ के उसके रेयर इफेक्ट्स हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी के, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन में इमेजिन करिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। कई सारे लोग इसमें मर भी गए हैं। इंडिया में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो एक डॉक्टर है उसने ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली और उसकी इमीडिएट डेथ हो गई थी। ये प्रोफाइलैक्टिकली जो स्टडी ही कह रही है कि इसे प्रोफाइलैक्टिकली लेना है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुपरविजन के साथ लेना ये अलग बात हो जाती है, और वो भी ट्रीटमेंट के लिए लेना एक अलग बात हो जाती है। अगर वो काम करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, पर अभी इसका एविडेंस कोई नहीं है कि ये काम भी करेगा। तो वो लोगों को एक कॉम्प्लेक्स रिसर्च स्टडी के बारे में इतनी समझ नहीं। तो क्या वजह है कि इस दवा के पीछे इतनी सारी बात हो रही है, जस्ट बिकॉज ट्रंप सेड, और इसका कोई और बैकग्राउंड भी है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रंप ने कहा है, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है, पर हमने ये नहीं देखा है, हमें नहीं पता, तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। कई सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट ने ट्रंप से ये क्वेश्चन किया है कि उनका कोई लिंक है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, हमें नहीं पता, तो हम इसके बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ट्रंप वॉन्ट्स टू प्रमोट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यू नो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। पर यहाँ तो इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये किस फार्मास्यूटिकल कंपनी के फेवर में ये डिसीजन लिया गया था। पर अगेन हमें नहीं पता, ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी भी हो सकती है, पर बहुत लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ट्रंप वॉन्ट्स टू प्रमोट दिस स्पेसिफिक ड्रग। मे बी ये भी हो सकता है कि इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है अमेरिका में इस डिसीज के वजह से, तो ट्रंप वांटेड टू ब्रिंग आउट समथिंग दैट ही कैन से प्राउडली कि ये हमने पुश किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, तो ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं इसमें ट्रंप का फॉल्ट है, एडवाइजरी का फॉल्ट है जिसने ट्रंप को ये एडवाइस दी है। और एक बात ये भी है, आई मीन वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट, बट मिस्टर ट्रंप का थोड़ा पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट भी लगता है जो वो प्रमोट कर रहे हैं। मगर अगर इतना ही इफेक्टिव होता तो जो स्पेन, इटली, फ्रांस, जहाँ इतने हजारों हजारों लोग मर रहे हैं, वो लोग भी इसकी बात करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि उन देशों को अपने लोगों की चिंता नहीं है, कि उन उधर के पॉलिटिकल लीडर्स को अपने लोगों की चिंता नहीं है। तो ये जब एक ही देश बात कर रहा है, और अभी आज शायद ब्लूमबर्ग की न्यूज़ है कि वो लोग धारावी में टेस्ट करने वाला है, ये कुछ ब्लूमबर्ग में आया है ये। आई थिंक प्रॉब्लम्स यही है जहाँ पे इजिली एक्सेसिबल है, और गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बताना चाहती है कि हम देखो एक वैलिड चीज जो यहाँ यूएस में यूज हो रही है वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। पर आप देखें यूएस का जो हेल्थ सिस्टम है, स्पेसिफिकली जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो बहुत तरीके से ब्रोकन है। लार्जली उनका जो हेल्थ सिस्टम है एक प्राइवेटाइज्ड है, तो हर चीज के लिए आपको पे करना है, तो वहाँ पे हेल्थ का कोई भी जो बेंचमार्क है उसे कहीं और अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे हम स्वीडन या यूके की बात करें या स्पेन और इटली की ही बात करें, जहाँ पे एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। ठीक है, इटली का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है जैसे यूके का और स्वीडन का है, पर फिर भी हमारे यहाँ इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। स्वीडन में तो फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं इन चीजों के हवाले से, आपको यहाँ सारे हॉस्पिटल्स पब्लिक हैं, सारे गवर्नमेंट फंडेड है, और आपको दवाई पैसों के हिसाब से नहीं मिल रही होती, आप कितना स्पेंड करें या उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती, आपको एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिलती हर सिटीजन को या हर रेसिडेंट को। तो उन चीजों के अंदर जब यहाँ पे इस तरह की दवाइयाँ यूज नहीं हो रही, तो हमें रियली क्वेश्चन करना चाहिए कि इसकी एफिकेसी क्या है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट या यूके की गवर्नमेंट इस बात पे फोकस कर रही है कि ये लोग इनसे निकले, ये चीजें ठीक हो जाए, COVID-19 एलिमिनेट हो जाए, ना कि इससे कि हमने इसमें इतना एफर्ट डाला है कि हमने ये एक एविडेंस वाली मेडिसिन निकाली है इसमें, तो उनका बेनिफिट इसमें बिल्कुल नहीं है। तो वो कभी भी आयुष टाइप की मेडिसिन, होम्योपैथी या ऐसी चीजों को पुश नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें तो रिजल्ट्स देखने हैं, और उन्हें पता है कि इससे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी होने वाला है सबके लिए। तो इन जगहों पे ये कभी इस तरह की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी नहीं आएगी, होम्योपैथी तो बहुत दूर की बात है, तो यहाँ पे ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही। Since you talked about conspiracy theory and everything, एक conspiracy theory जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई, प्रतीक will also be able to talk about this, क्या 5G signals कोरोना वायरस को बढ़ा रहे हैं या फिर उसमें वो कुछ कर रहे हैं? बिकॉज ये इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि जहां जहां पर 5G नेटवर्क आया है वहां वहां पर ये पढ़ रहा है, ये क्या है? लाइक 5G इज द प्लेग्राउंड फॉर कोरोना वायरस और व्हाट? प्रतीक, डू यू वांट टू स्टार्ट विद दैट? हां, सो बेसिकली 5G वैसे सब देशों में आया है जहां
जो ज्यादा डेवलप्ड है, जहाँ ज्यादा लोग ट्रैवल करने जाते हैं। तो अभी चाइना से शुरू हुआ था, जैसे न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द ट्रैवल हब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो और जब इंडिया में, शायद इंडिया ने एक ही स्टेप शायद अच्छा लिया था कि लॉकडाउन शुरू, यानी चाइना से जो फ्लाइट्स, इनकमिंग फ्लाइट्स बहुत पहले कैंसिल, यू नो, बंद कर दी थी जो शायद, हाँ। तो मगर काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज में ये शायद नहीं किया गया था, और इसलिए वहाँ वायरस ज़्यादा फैला है, चाहे वो यूके बोल लो या इटली बोल लो या यूएस बोल लो। तो दैट इज द कोइंसिडेंस कि जहां लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, और बिकॉज ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसमें, इसलिए उधर ज्यादा फैला है। इसका काफी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने, ऑल्ट न्यूज़ ने इसका फैक्ट चेक नहीं किया, मगर काफी बाकी सब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इसको फैक्ट चेक किया है कि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे सुमैया पहले बोल रही थी कि जो फोमाइट है उसका सरफेस यूवी से, यू नो, यूवी से प्रभावित होता है, मगर अगेन अगर वायरस आपके बॉडी में हो तो चाहे 5G हो या 6G हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन इवन बाहर भी, यू नो, 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव वगैरह के आसपास होती है, उससे कम होती है, बट तो दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद द, यू नो, किलिंग द, यू नो, द द द यू नो, स्प्रेडिंग द वायरस, बिकॉज यू नो, वो तो हमारे आसपास हर जगह है इस तरह की फ्रीक्वेंसीज, जो ये एक रेंज की बात की जाए इस तरह की फ्रीक्वेंसीज की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए निकली थी क्योंकि 5G का जो टाइम है और कोरोना वायरस का टाइम, वो ओवरलैप कर रहा था, तो हर जगह नहीं थी। यूके के अंदर कोई आर्सनिस्ट थे, उन्होंने जाके 5G के टावर चला दिए थे। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जहाँ पे वो 5G को खत्म करना चाहते हैं, और एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है उसके अराउंड, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट जो थी वो, उनका सबसे ज्यादा फोकस ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के ऊपर था। एक जरूरी जो नेसेसिटी होती है लाइफ की, जैसे यू नो इलेक्ट्रिसिटी है या हाउसिंग है, उस तरह से ब्रॉडबैंड भी एक नेसेसिटी बन गया है। रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, गवर्नमेंट की, हाँ, काफी एम्फेसिस डालती थी ब्रॉडबैंड के ऊपर। तो अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो दूसरी चीजों के बारे में बात कर रही है, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है उन चीजों में। तो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स मिक्स्ड विद इट, बट यूके ने तो टावर्स जाके जला दिए थे उन्होंने। इनफैक्ट माइक्रोवेव लेके भी बहुत चलता है कि माइक्रोवेव में खाना नहीं गर्म करना चाहिए, जबकि माइक्रोवेव आपका जो कॉर्डलेस यूज करते हो उसका सेम फ्रीक्वेंसी है 2.4 GHz, वो एक बैंड है ISC, विच इज, यू नो, वो फ्री बैंड है, यानी उसमें आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए वो बैंड यूज करने के लिए। तो इसलिए काफी, जैसे जो पहले जो वाईफाई हुआ, आपका जो वाईफाई में जो 802.11G बोलते हैं वो भी 2.4 GHz, तो ये सब फ्री बैंड्स है। तो इधर फर्क पड़ता है कि उसमें आउटपुट पावर कितना। तो मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर जैसे काफी इंडिया में क्या होता है कि काफी बार जो टावर से वो लोग बहुत एक्सेस पावर डालते हैं, उससे फर्क पड़ता है, ना कि कोई फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है। तो अगर एक्सेस पावर डाल रहा हो कोई टावर और उसके आसपास लोग रह रहे हो, तो उन लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं है, इट इज अ इशू ऑफ कि पावर कितना जा रहा है किसी एक बैंड में। आई मीन एक एग्जांपल देती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब MABS पढ़ाती थी, तो वहां पर इस तरह के हमने केस स्टडीज देखे हैं जहाँ पे टावर्स के आसपास लोग रहने वाले थे, उनको कई तरह के कैंसर्स होते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बिजली होती है जो शाम को और सुबह जब एक्सट्रीम यूजेज होती है लोगों की घरों में, इंक्रीज यूज होती है खाना बनाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो स्टव्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, स्टव लाइक दैट। तो उसके टाइम पे वो पावर इंजेक्ट करते हैं, सिग्नल इंजेक्ट करते हैं, और उसके वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टेबलाइज होती है थोड़े टाइम के लिए और फिर नॉर्मल हो जाती है। और वो टाइम जो पीरियड है वो बहुत क्रिटिकल होता है जब आप टावर्स के बहुत करीब रह रहे हैं, तो स्पेशली छोटे बच्चों में इनका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वो वायरिंग है जो टावर्स है उनसे उनके पास घर ना बनाए, थिंग्स लाइक दैट, और उस तरह की रेगुलेशंस भी अभी रिसेंटली आ रही है। तो वो जरूर प्रॉब्लमेटिक है, पर 5G का इससे कोई लेना देना नहीं। एंड अभी जब हम बात कर रहे थे इस बारे में कि कौन सी दवाइयां और कौन से इन सारी चीजों के बारे में, तो उसमें एक चीज और है जिसके बारे में खूब बात करी जा रही है, वो ये है कि इंडिया में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम होने वाला है बिकॉज लोगों को बचपन में ही पैदा होने के साथ ही खूब सारे टीके लग जाते हैं, वो जो यहाँ पर निशान होते हैं ऐसे, तो वो बताया जाता है कि वो तो लगा हुआ है, तो मतलब अपने को कुछ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो उसमें टीबी वाला भी है, उसमें सारी चीजों के वो टीके होते हैं, तो सब बिल्कुल चिल है। तो इसमें क्या, इसका क्या सीन है?
आई थिंक ज्यादा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए कि बीसीजी का जो टीका है उसकी उसके बारे में बात हो रही है. किसी एक जेएनयू के प्रोफेसर, आई थिंक प्रोफेसर गोवर्धन नाम है, उन्होंने कोई पेपर डाला है जो अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है और शायद उसी के ऊपर काफी बात की जा रही है. और शायद और एक भी आर्टिकल आया था कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच में कि कितना डिफरेंस है कि पोर्चुगल में टीका दिया जाता है, स्पेन में नहीं दिया जाता है और पोर्चुगल में इन्फेक्शन रेट काफी कम है. तो यही सब बातें हो रही है आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया में. सो मैंने जब इसे गूगल किया तो यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक मुझे मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इट सेज आईसीएमआर टू स्टडी इफ बीसीजी वैक्सीन हेल्प्स प्रिवेंट कोरोना वायरस. हाँ, तो इस तरह के कुछ ट्रायल जरूर हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, यूके में भी और कई सारी जगहों पे, कि आपको इस तरह की वैक्सीन लेने से, बीसीजी और भी तरह की वैक्सीन लेने के वजह से आपके पास एक तरह का प्रोटेक्शन होता है. पर वो रिजल्ट्स पे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अप टू 75% तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है. आई मीन, ये इतनी आर्बिटरी चीज है कि आप एक परसेंटेज वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि एज मैंने पहले भी बताया था, एज आई सेड अर्लियर, a lot of these you know the symptoms of these diseases specifically in covid-19 ke sabke alag alag hote hain. mujhe ya aapko, mujhe shayad ye headache ya flu tarah ka hoga, aapko shayad thodi si bukhar hogi, kisi aur ko ek respiratory problem hoga, kisi ko pneumonia hoga. to ye alag alag gradations hote hain iske symptoms ke. to hum ye nahi keh sakte ke ek percentage iska kam hoga, kyunki wo sabki normalized hum value nahi dekh rahe hain research ke andar. to ये कहना कि 70% यू नो राउंड अप फिगर है जो रिड्यूस हमें हमारी जो एक्सपोजर है वो कोविड की वजह से हमें वो बीमारी नहीं होगी, तो दैट इज जस्ट रॉन्ग. इट डजंट वर्क लाइक दिस. ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह का एक इंफॉर्मेशन है, और ये इस तरह की हर लैंग्वेज में मैंने देखा है, अरबिक से लेके, इंग्लिश से लेके, यू नो बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इस तरह के आए हैं. पर इसका कोई इसमें यू नो एविडेंस है ही नहीं. अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, और WHO ने कहा है कि जब वो आएगा तब हम इवेल्युएट करेंगे. पर एक टीबी एक्सपर्ट है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, जिसके जिसका मैंने आर्टिकल पढ़ा था, और वो कह रहे हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है. ये जो मैकेनिज्म्स हैं टीबी के वैक्सीन के और कोविड के जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत फर्क है दोनों में, और दोनों का कोई लेना देना नहीं है. So, अभी हमने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, और मैं जितनी भी चीजें अभी तक मेरे सामने रखी है उसमें पता चला है कि अच्छा एंगल तो कुछ और ही है, और वो पब्लिक स्फीयर में ये बताया जा रहा है कि बिकॉज वो व्हाट्सएप से मिल रहा है उन्हें, फेसबुक से मिल रहा है, ट्विटर से मिल रहा है, आम बातचीत में लोगों को मिल रहा है. सो ऐसी कौन सी जगहें हैं, एंड आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू कम इन ऑन दिस वन, के ऐसी कौन सी जगह है जहां से हमें जिन पे हमें रिलाय करना चाहिए. क्या हमें आयुष मिनिस्ट्री जो बोल रहा है उस पे रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, WHO जो बोल रहा है उसे हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बिकॉज और क्योंकि कई मामलों में हमने ये देखा है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें कौन किसकी माने. देखिये, बहुत सारी जगहों पे, मैं कई वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे एक, अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि यू नो इंडिया के पास उस तरह की रिसर्च नहीं है. इंडिया भी एक बहुत यू नो इफेक्टिव और अच्छी रिसर्च भी प्रोड्यूस करता है, पर वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं. स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आयुष वगैरह से, वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो जहाँ हम इन साइट्स पे रिलाई करें, जहाँ पे जो गवर्नमेंट साइड से जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम उनका मेन फंक्शनैलिटी है, मेन फंक्शन है उनका, यू नो टैक्स पेयर्स के साथ जो फंडिंग होती है उससे पब्लिक हेल्थ इस्टेब्लिश करने का, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है हेल्थ की, उन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ज़्यादातर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन बाहर देगी. जैसे प्रॉब्लम्स WHO में भी थे, जैसे US के अंदर सर्जन जनरल ने कहा था कि मास्क पहनने की सबको जरूरत नहीं है, पर बाद में रिसर्च आई थी कि मास्क पहनने की जरूरत है. दो प्रॉब्लम्स है यहाँ. एक तो यह है कि सबको इस बारे में पता ही नहीं है, और बहुत सारे ने कहा था, WHO ने नहीं कहा था, वो जो मास्क वाला CDS ने कहा था, WHO ने नहीं कहा था.
नहीं उन्होंने नहीं कहा था, दैट्स राइट, सर्जन जनरल ने कहा था यूएस के अंदर, पर डब्ल्यूएचओ ने भी ये इन्फॉर्मेशन डाली थी क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम पे, हमें नहीं पता था इस वायरस के बारे में इनफ, तो डब्ल्यूएचओ ने भी चीजें कही थी और दो महीने बाद एक महीने बाद वो चीजें कुछ बदल गई थी, जो एडवाइजरी थी डब्ल्यूएचओ की भी बदल गई थी। तो ये बात लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अभी भी इस वायरस के बारे में चीजें नहीं पता। ये कहना कि समर में ठीक हो जाएगा इसका स्प्रेड, ये कहना कि बीसीजी वैक्सीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ठीक कर देगा, ये अभी बहुत बेसलेस है। जैसे जैसे नई रिसर्च आएगी हमें इस बारे में ज्यादा पता चलेगा कि ये वायरस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, अभी सब कुछ ओपन एंडेड है। तो ये कहना कि एब्सोल्यूट श्योरिटी के साथ कि कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है वो सही है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी साइंटिस्ट के पास हर वक्त सारे आंसर्स नहीं होते, डॉक्टर्स के पास भी नहीं होते, तो इन उन लोगों को रिलाई करना जरूरी है जिनके पास एक एक बैकग्राउंड है, एक नॉट जस्ट एजुकेशन बट आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट यू नो हाउ दीज थिंग्स आर स्प्रेडिंग, क्योंकि ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन्हें नहीं पता ये अप टू द डेट क्या उनकी रिसर्च आ रही है इस डिजीज से रिलेटेड। तो उनके पास जाएं जिनके पता है, यू नो ऐसे सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस तरह से लोग आते हैं सामने। सेकेंडली हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आयुष पर रिलाई कर रही है, और इस तरह की गवर्नमेंट्स जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को ज़्यादा प्रमोट करती है, स्पेसिफिकली जब उनके प्राइम मिनिस्टर भी ये प्रमोट करते हैं इंस्टेड के वो क्लैरिटी से सबको जब भी वो एड्रेस करें ये कह सके कि प्लीज़ व्हाट्सएप फॉरवर्ड में बिलीव ना करें, ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, सीधा सीधा आके कहना, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर वगैरह जो है वो आके कह रहे हैं वेरी वेरी इफेक्टिवली कह रहे हैं कि प्लीज इन चीजों में बिलीव ना करें, तो ये ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो ये कहना कि एक या दो वेबसाइट पे बिलीव करें ये गलत है। तीसरा मिस इन्फॉर्मेशन का हॉल्ट करना, यू नो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो नहीं कर रही है। तो आई थिंक एक गवर्नमेंट एक एडवाइजरी की वेबसाइट को लोगों को नहीं पॉइंट करना चाहिए क्योंकि ये बार बार बदलती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि इंडिया में हम लोग जिस वेबसाइट्स का रेफरेंस दे रहे हैं अभी इस टॉक में मोस्टली इंग्लिश में होती है, और इंग्लिश कितनी यू नो बहुत एक छोटा परसेंटेज इंडिया में समझता है, और तो ये और क्या है कि तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट पे जाना चाहिए, आयुष की वेबसाइट पे आप भले ही ना जाओ, हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट पे जाओ क्योंकि वो कुछ कुछ लैंग्वेजेस में है और वहाँ आयुष जैसा कि ये योगा करो वो सब नहीं है, वहाँ कुछ एटलीस्ट जो बेसिक इश्यूज है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सही है इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट में, और उसका ये भी फायदा है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है क्योंकि हाँ क्योंकि ये बोलना कि सिर्फ आप क्योंकि पब्लिक हेल्थ का है यूके ये सब है, स्वीडन है स्वीडिश में तो कोई समझेगा नहीं, यूके में इंग्लिश में होगा, ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हेल्थ इंग्लिश में होगा, मगर वो कितने लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा हम लोग को इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डिपेंड करना पड़ेगा। वही है कि आप आयुष की तरफ ना जाए, जो MOHW का जो वेबसाइट है वहाँ लेजिट इन्फॉर्मेशन है, आप फेसबुक या कहीं भी जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्टली आपको MOHW की वेबसाइट पर ले जा रहा है अभी। जी नहीं, आई टोटली अग्री विद दैट, पर उनके पास बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनके पास वो जैसे मैंने IMA है फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी वेबसाइट पे जाके देखा है, कोविड हमें ढूंढने पर मिलता है, इट्स नॉट लाइक एट द फ्रंट, तो कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और डॉक्टर्स के लिए प्रोटोकॉल्स है वहाँ पे, उस तरह की जो चीजें वो इतनी बेसिक है कि वहाँ हमें फर्क ही नहीं नजर आएगा कि ये एक्चुअल पेंडेमिक से डील करना है। तो इवन डॉक्टर्स के पास वहाँ से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही है जो हम समझ सके कि ये हम इससे पेंडेमिक से कैसे डील करेंगे, इस सिम्टम्स के साथ कैसे डील करेंगे, इसमें अलग अलग जेंडर्स में एज ग्रुप्स में क्या फर्क है, बच्चों में नियोनेट्स में एजड लोगों में जिनके साथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सारी तो इवन डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए। इवन IMA के पास वो रीजनल लैंग्वेजेस तो बहुत दुखी होते हैं, इंग्लिश में भी नहीं है और कई सारे प्रोटोकॉल जो इस तरह के यूज होते हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो दिस इज अ ह्यूज गैप हियर। आई थिंक ये तो IMA को हैंडल करना चाहिए पर ऑल्सो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये करना चाहिए, तो हमारे पास वो इन डेप्थ नॉलेज तो कहीं पे भी नहीं, इन डेप्थ क्या बेसिक भी मिनिमलिस्ट। हाँ सो IMA स्टैंड्स फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जस्ट फॉर द ऑडियंस। मगर हाँ ये रियल प्रॉब्लम है कि हम लोग के यहाँ एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम है,
और किसको ट्रस्ट करे. और इन्फॉर्मेशन द ओनली प्रॉब्लम ये ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वैक्यूम है. जैसे अभी कितना मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, आपने जैसे बताया कि न्यूयॉर्क की मेयर ने बता दिया कि ये नहीं माना चाहिए. आई थिंक इंडिया में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कहीं भी और से भी, कि कुछ भी चीज़ मान ले रहे. हम लोग जितने हम लोग ऑल्ट न्यूज़ के ऐप पे हम लोग को जितने फॉरवर्ड्स आते हैं दिख रहा है कि कितना लोगों में एक फियर है, और उसके चलते दे आर डेस्परेट टू नो, क्योंकि ये एक ऐसा पैंडेमिक, एक ऐसा एपिडेमिक है जिसका कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है. तो लोग जान गए कि कुछ वो कर रही है कि एक पैदा किया है. दिस नीड टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन एडवांस, ये अल्टरनेट सिस्टम्स नहीं. तो लोग जब कहते हैं कि इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके ये तो सबसे बड़े साइड इफेक्ट है कि लोगों को लगता है कि उन्हें हर डिसीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो जड़ से मिटा देने वाला जो डिसीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो सामने आ जाएगा. हालांकि एविडेंस बेस्ड सिस्टम के अंदर डिसीज को कई हद तक मैनेज किया जाता है, आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ाई जाती है. हर डिसीज के अंदर आप इसे जड़ से नहीं निकाल सकते, जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स का हमेशा दावा होता है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये जो नीड क्रिएट की गई है कि ये हमें सब कुछ जानना है हर तरीके से, डे वन से हमें पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता है. और साइंस, मुझे रोज के इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि साइंटिस्ट अभी तक इसका वैक्सीन क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है. इसके ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब एक साल तो हम रश करेंगे तो भी कोई फैंटास्टिक लैब दुनिया की जो वायरोलॉजी की है वो शायद बना पाएगी, पर इवन वो रश्ड होगा और उसमें भी हमें नहीं पता, हम चीजें काफी ज्यादा मिस कर देंगे. तो ट्रीटमेंट जब हम बना भी देंगे तो उसकी एफिकेसी और टॉक्सिसिटी हर एज ग्रुप में, हर ग्रुप में हमें देखनी है, प्रेग्नेंट वुमेन से लेके छोटे बच्चों से लेके हर तरीके की एथनिसिटीज में किस तरह से वो रिएक्ट करती है. तो ये गलत कहना है कि यू नो डे वन से हमें सब कुछ पता हो, और ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ने ये जो स्टैंडर्ड है वो क्रिएट किया है कि हमें पहले से सब कुछ पता होगा. जैसे आयुष ने कह दिया पहले ही मंथ में हमारे पास दवाई भी है इसकी, तो ये बहुत ही गलत है. और इसी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं कि इंडियंस को लगता है हमें सब कुछ पहले ही मालूम होना चाहिए. सो प्रतीक, देयर इज वन पॉइंट दैट सुमैया मेड, के मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल रही है काफी, और हर मामले में फैल रही है. मतलब वो जैसे बताया कि ये भी बता दिया गया है कि हमारे पास पूरी तरीके से उसका इलाज है और शुरुआत में ही बता दिया. सो ये है कि क्या किया जा सकता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले. ये सिर्फ लोगों के, उस इन्फॉर्मेशन के रिसीवर के एंड पे ही हो सकता है, या फिर कुछ किया जा सकता है इसका कि वो मिस इन्फॉर्मेशन. देखिए आई एम एक्चुअली क्वाइट होपलेस इन दिस, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जब इसका सोर्स बन जाती है, और हम लोग का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करना चाहता और वो बिल्कुल लॉयली उसको रिप्रोड्यूस करता है, तो गुंजाइश बहुत कम है कि इस चीज को रोका जा सके. कि अगर कहीं बोला जा रहा है कि आर्सेनिक एल्बम 30 एक प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल शुरू से बोलना चाहिए था कि नहीं, ये गवर्नमेंट गलत बता रही है. उसके बदले क्या होता है कि वो उसी व्यूज को लोगों तक पहुंचाती है, बाद में एक आर्टिकल लिखा जाता है कि ये ठीक नहीं पाया गया है. मगर वैसे डील नहीं कर सकते. प्रॉब्लम ये होता है कि वो टीवी पे होता है, हिंदी में बोला जा रहा होता है, बिल्कुल ही जिन्हें लोग जानते हैं, जिन एंकर्स को वो लोग बोल रहे होते हैं, और उसके बाद आर्टिकल होता है अंग्रेजी में एक वेबसाइट पे. हाँ जो कि तो कई जगहों में सिग्नल ऐसे होते हैं कि वहां लोड भी नहीं होती वो वेबसाइट ढंग से, और समझ भी नहीं है. जैसे हम और न्यूज़ की जो साइंस की कई सारी चीज़ें हम आसान जुबान में लिखने की कोशिश करते हैं, पर हम ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि साइंस हमें किसी को समझाना हो और हम इस तरीके की लैंग्वेज में लिख पाएं जो एक जो बेसिक जिसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश पढ़ने की, वो उसे समझ सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके. वो नहीं हो सकता कभी भी. एट द एंड ऑफ द डे आपको एक बेस नॉलेज साइंस की भी जरूरी है अगर आपको साइंस पढ़ना है तो. और इसमें इतना ज्यादा साइंस है COVID-19 की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे काउंटर करने के लिए कि आप कोई भी हिंदी में ऐसा प्रोग्राम नहीं रन कर सकते. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. अचानक से साइंस. हाँ प्रतीक सिंह सत्य. हाँ सो मैं वही बोल रहा था कि हाँ तो यही है कि द गवर्नमेंट हैज टू बैक अप एंड दे नीड टू गिव द राइट एडवाइस. दे नीड टू हैव
जैसे आज तक एक डॉक्टर नहीं आया है, जैसे यूएस में आप देखो तो ट्रम्प जो भी बोल रहा, मगर एक डॉक्टर फॉसी है वो सब समय बाजू में रहता है वो, अगर और मिस्टर ट्रम्प को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है, मगर यहाँ जैसे एक हेल्थ सेक्रेटरी ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई एक जो समझता है, जो जानकार है इस इशू का, उनको सामने नहीं लाया जा रहा है और इसको एक पॉलिटिकल तरह से डील किया जा रहा है। तो वही सब जो सिस्टमिक चेंज चाहिए और इसका कोई शॉर्ट टर्म उपाय नहीं है हम लोग के पास। ये तो बहुत अच्छी एडवाइस थी कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए थी, पर एक साइंटिफिक नजरिए से आप देखे जाएं तो ये लॉकडाउन बहुत जरूरी था, और इसके वजह से जो हम प्रिडिक्टेड जो केसेस थे वो अभी नहीं आ रहे हैं, हमने ये भी देखा है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें भी, एक पोलिटिकल इशू बना दिया है इस चीज को, बट पर फिर भी ये लॉकडाउन जरूरी था। तो जब ये एडवाइस आ सकती है तो ये भी एडवाइसेस आ सकती है कि इसे एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम में किस तरह से डील करना है जो इफेक्टिव हो। ये नहीं कि आप कोई भी ड्रग ले आए और ये इस तरह का अंदाजा दिया जाए लोगों को कि हम कर रहे हैं कुछ इसके बारे में, पर ये होगा या नहीं ये हम नहीं जानते। तो ये सारी एक ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिस इन्फॉर्मेशन को एक रोका जाए और एक सही तरीके से इन्फॉर्मेशन बताई जाए लोगों को। All right. So, coming to the last part, unless you guys want to add something, सुमैया, इंडिया में और इंडिया से बाहर दो चीजें हैं कि एक तो ये कि इस पूरे बीमारी को काउंटर करने के लिए या इसे कंटेन करने के लिए जो भी मेजर्स लिए उसमें क्या अंतर दिखे, और दूसरा ये कि इसमें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मिस इन्फॉर्मेशन निकल रही है, वो पूरे पूरी दुनिया भर में है। यहां पर लहसुन खाने को बोला जा रहा है, वहां कुछ और खाने को बोला जा रहा होगा, तो सो वो कैसे काउंटर किया है मिस इन्फॉर्मेशन बाहर की जगहों में। आई थिंक हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं अभी, पर जैसे अभी वृद्धि ने भी बताया कि जो एक ऑफिशियल फिगर हेड है वहां पे जो इवन ट्रम्प की बातों को मिस्टर ट्रम्प की बातों को भी काउंटर करने के लिए है, सीडीसी है फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर, जो बहुत सारी एविडेंस के ऊपर जो ये चीजें हमें जानकारियां होती है जो एक आम इंसान नहीं मॉनिटर कर सकता, ये सारी जो रिसर्च निकल के आ रही है वो सीडीसी एडवाइसेस निकालती है, WHO है फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से इंडिया में ऐसी एडवाइजरी या बॉडी जिसे इस बारे में पता हो, ये इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं, आई थिंक एक टीम हो जो एक दूसरे को इन्फॉर्म करे, एपिडेमियोलॉजिस्ट से लेके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से लेके वायरोलॉजिस्ट से लेके मिस इन्फॉर्मेशन इन साइंस एक्सपर्ट से लेके जैसे हम लोग काम करते हैं, सब तरीके से लोग एक टीम बनाई जाए और वो एडवाइस करे गवर्नमेंट को, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक इतना बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है जो सबको अफेक्ट कर रहा है, तो सारे आने के लिए तैयार होंगे, पर ये टीम ये प्रॉब्लम जो है वो ही एक अंडरस्टैंडिंग में नहीं है लोग कॉन्शियसनेस में कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक टीम बनाकर अगर हम ये इंफॉर्मेशन को किस तरह से निकालना है पब्लिक सिस्टम में ये किया जाए गवर्नमेंट से, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव चीज होगी। ये इस तरह से बाहर जो चीजें बनी हुई है सीडीसी की तरह, ये काफी हद तक मिस इन्फॉर्मेशन को स्टॉप करती है, जैसे आपने कहा कि इंडिया में लेमन या गार्लिक या इस तरह की चीजें निकलती है, यूएस में अगर आप पढ़े लिखे ना भी हो, आप साइंस में थोड़ी बहुत पढ़ाई ना भी की हो, वहां पे मोस्टली लोगों को पता है कि वहां होम्योपैथी काम नहीं करती, यूके में लोगों को पता है कि नहीं काम करती ये सारी चीजें, जर्मनी जो होम्योपैथी का जहाँ बर्थ कंट्री है वहां लोगों को पता है कि ये काम नहीं करती, फ्रांस के अंदर फार्मेसीज में मैं देख चुकी हूँ कि होम्योपैथी बिक रही है पर लोग जाके उसे क्वेश्चन करें क्योंकि नहीं इस्तेमाल होती वहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। इंडिया में ये एक इन जनरल एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी चलता है, और ये क्लोजली टाइड है नेशनलिज्म से कि उन्हें लगता है कि कई लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि होम्योपैथी इंडिया का नहीं है, वो आयुर्वेद करते हैं, सिद्धा में बिलीव करते हैं, ठीक है बहुत सारी चीजें उसके अंदर से एक प्योरिफाइड वर्जन निकाल के आप एक एक एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी फायदे की चीजें भी निकली है, पर एक उसके साथ रिगरस टेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ आयुष मिनिस्ट्री की जो चीजें निकली हैं, ट्रीटमेंट्स निकली, उसमें तो जो नॉन आयुष डॉक्टर्स जिसे कहते हैं, जो जिसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर्स कहेंगे, वो तो उस पर कॉमेंट भी नहीं कर सकते। आयुष मिनिस्ट्री ने वो भी बैन कर रखा है कि वहां पे यू आर नॉट अलाउड टू इवन कॉमेंट
साइंटिफिकली ऑन द प्रोडक्ट्स और द ट्रीटमेंट सिस्टम्स फ्रॉम आयुष. तो अगर आप इतना सेपरेट आउट कर देंगे और ये बिल्कुल टॉप डाउन एनफोर्समेंट रखेंगे तो हम यहाँ एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं. हमारे पास एक बिलीफ सिस्टम है, उसे हम यू नो रीइन्फोर्स करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च इसीलिए कर रहे हैं कि हमें ये बिलीफ सिस्टम को ट्रू करना है. ये नहीं देख रहे हैं हम एक ब्लैंक माइंड से नहीं चल रहे हैं कि हाइपोथेसिस है, हमें इसे टेस्ट करना है और बाद में जो रिजल्ट आया वो आया और हम कैसे उस रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. हम ये देख रहे हैं कि ये तो पहले से ही हमने सोच के रखा है कि हल्दी ने तो ये करना ही है, तो आगे जाके हम हल्दी को कैसे फिर मार्केट में लेकर आए और कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है ये चीजें. होम्योपैथी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है इंडिया में, या आयुर्वेद एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता, एफिकेसी का मतलब होता है, और एफिकेसी है या नहीं वो एक रिगरस रिसर्च ट्रायल से होता है, इस तरह के फॉल्स ट्रायल से नहीं होता. और इसमें मतलब टॉप से डाउन तक सारे इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है. ऐसे हमने कई पेपर्स देखे हैं जो होम्योपैथी की जो रिसर्च काउंसिल है उसके हेड हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च फॉर होम्योपैथी उसके हेड है, उन्होंने रिव्यू पेपर्स निकाले हैं और मैंने उनके रिव्यू पेपर्स पढ़े हैं. उनके अंदर जो आर्टिकल्स उन्होंने लिंक किए हैं, रेफरेंस किए हैं एज यू नो एविडेंस फॉर एफिकेसी, उन आर्टिकल्स में कोई भी एविडेंस नहीं है. तो उन्होंने भी ठीक से नहीं पढ़े, उन्हें या पढ़ के इग्नोर किया है और उन्हें लगता है कि ये रिव्यू लिखकर हम एक और पेपर निकाल देंगे इस बात का और हम प्रूव कर देंगे कि ये इसका एफिकेसी रियल है. तो ये तो I mean, ये बिलीफ सिस्टम के साथ तो हमें नहीं चल सकते ना. यू नो एक तरफ नेशनलिज्म है और एक तरफ ये इनका बिलीफ सिस्टम है, और कोई भी उसके अगेंस्ट कहेगा तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे. तो आई थिंक ये प्रतीक इस पे ऐड कर सकते हैं ज्यादा क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है इन चीजों में. बट इंडिया में हमारी फंक्शन ही अलग हो रही है एविडेंस या फैक्ट्स के साथ. हम और कंट्रीज की तरह नहीं जा रहे हैं. अगर दूसरे कंट्री में होती, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में, इस तरह की अगर मिस इन्फॉर्मेशन होती, ऐसे तो नहीं हो सकती, पर अगर और मेरे जैसा कोई इस तरह से फैक्ट चेक कर रहा होता तो इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्वीडन टू हैव समवन लाइक मी लुक एट दिस टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज इन द फेवर ऑफ द पब्लिक टू हैव एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, समथिंग एक्चुअली वर्क्स. बट हियर इट्स द अदर वे अराउंड, हियर यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. यू नो वी आर जस्ट देयर टू यू नो गिव देम अ गुड एडवाइजरी ऑन व्हाट इज वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज वी हैव द नॉलेज ऑन दिस. It should not be looked as the other way around. I mean, this is as simple as that. I think the summary is ki, you know, जो हर बात में इंडिया में बोली जाती है, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस नहीं है. अगर यूएस में मिस्टर ट्रंप है तो एक सीडीसी भी है जो उसको काउंटर करती है, यहाँ आईसीएमआर नहीं काउंटर कर पा रही है. तो जो एक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस नहीं हो तो ये सब इश्यूज आते हैं. यहाँ तो ये भी है कि जो डॉक्टर्स ने पीपीई की बात की कि हम लोग के पास किट्स नहीं है, उन लोग को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रॉल किया गया है, जबकि ये एक अपनी जो अपने हक की भी बात उन लोग को नहीं रखने दिया गया, वो इशू एक हो गया है. But yeah, so that, I mean, we can keep talking about this, but the issue is much more deeper than just about science. It is an issue of governance and politics of the country. Absolutely. Okay, so Sumaya, anything you would like to add? I think we covered mostly everything. Any more than this and it would be a lot more detail for the public to penetrate us, right? All right, so I guess tick-tack baat kar li humne kuch ek ghante ke aaspaas. देखते हैं. सो इट्स मतलब थोड़ा सा गड़बड़ टाइम चल रहा है, घर में ही रहना पड़ेगा. हाँ, अब कितना कितना दिन और रहना पड़ेगा घर में, ये हर किसी को जानना है. हाँ, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हमने नहीं सोचा था. अभी तो जैसे आप लोगों का एक्सटेंशन हो गया है तीन तारीख तक, तीन तक. हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये खत्म है यहाँ. जब तक इसकी वैक्सीन ग्लोबल लेवल पे नहीं आ जाती तब वाकई में हम कह सकते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी होगी. एंड यू सेड कि एक साल में भी नहीं आ पाएगी. एक साल तो मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ जिस तरह से लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस वैक्सीन के रिसर्च के ऊपर. और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसकी, लॉकडाउन कब खत्म होगा, दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. आई डोंट थिंक हम लोग एक साल तक लॉकडाउन में रहने वाले. हाँ बिल्कुल, पर ये इंटर रिलेटेड है क्योंकि दैट लॉकडाउन और स्प्रेड ऑफ डिसीज, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मोड है और फ्लाइट नहीं चलेंगी, और मतलब कब तक आदमी डरेगा. अगर फ्लाइट चलने भी लगी तब भी लोग डरेंगे यार कि उसमें ट्रेन में जाना है और फ्लाइट में जाना है तो क्या. आई थिंक दिस पेंडेमिक इज गोइंग टू चेंज द वे वी इंटरैक्ट विद अदर पीपल ऑन अ फिजिकल लेवल फॉर एवर. वी आर गोइंग टू
constantly be in fear. This is, so don't just think that this has an effect on public health or people's lives or just economy. It's going to affect our psychology. It's going to be so stressful for most people. एक तो ये है कि हम अंदर रहेंगे घर में, लोग साथ कम इंटरेक्ट करेंगे, वो वैसे ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है लोगों की साइकोलॉजी पे, क्योंकि लोगों के पास एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है जो घर के बाहर होते हैं, और जब आप उन लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं बहुत लंबे अरसे के लिए, तो आप पे एक अलग तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. लोनलीनेस तो बहुत छोटी सी बात है इसमें, पर उसके अलावा भी जिस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से, हम जितने फ्रीली सोशली इंटरेक्ट करते हैं आम आदमी के साथ सड़कों पे, जैसे हम अगर कोई क्राउडेड सी जगह पे रह रहे हैं, पेरिस हो गया, इटली हो गया, इटली में तो लोगों का कल्चर ही है कि एक दूसरे के साथ यू नो जेस्चर से टच करके बात करना, और वहाँ पे उस तरह का पब्लिक वो नहीं है, कोई भी आपको रास्ते में टच करके साइड पे करके आगे निकल जाएगा क्योंकि वहाँ इतने कंजस्टेड एरियाज हैं. तो ये सब बदल जाएगा इसके बाद, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बदल गई. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साल तक या दो साल तक हमें घर में रहना पड़ जाएगा. ये फेज आता रहेगा और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है. पर जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं कुछ, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये तीन फेज में आएगा या ज़्यादा, पर एटलीस्ट तीन या चार फेज में आएगा, और अभी जो है वो सबसे बड़ा उसका पीक होगा, और धीरे धीरे ये पीक जो है वो कम होते जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम होते जाएंगे हर फेज के अंदर. पर ये फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ अरसों के बाद, कुछ हफ्ते या महीनों के बाद हमें इस तरह के और लॉकडाउन करने शायद पड़ सकते हैं. डिपेंड करता है हर कंट्री में कि इसका स्प्रेड कैसा है. ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं ग्लोबल उसकी बात कर रही हूँ. जैसे यहाँ पे तो लॉकडाउन नहीं है स्वीडन में, हमें कहा गया है कि बिहेव लाइक एडल्ट्स. हम समझ सकते हैं एडल्ट्स हैं, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप घर में रहें, अगर आपको नहीं भी है तो बाहर जाएं, तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें. और ये पॉसिबल है यहाँ पे क्योंकि लोग बहुत कम है, पॉपुलेशन नहीं है, और लोग वैसे भी काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं. पर ये इंडिया में तो हम नहीं कर सकते, पर ऐसा हमें कई बार करना पड़ सकता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर मिस्टर मोदी कल को के कहेंगे कि ये थर्ड के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड देंगे या शायद नहीं देंगे और फिर दोबारा से एक लॉकडाउन करें, तो ये हो सकता है बिल्कुल. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम नहीं होगा डिसीज, ये डेफिनेटली कम होगा. टाइम लगेगा पर कम होगा. आई थिंक ये वैक्सीन सबसे बड़ी होप है इन चीज़ों की. शायद हमें ऐसी ट्रीटमेंट्स ना मिल सके दवाइयों के तौर पर जो ये इन्फेक्शन रिड्यूस करेगा, वैक्सीन ही इसका इलाज होगा इवेंचुअली, और इसे बनने में टाइम लगेगा, और जब भी ये बनेगा तब हमें रियल में हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी. वाओ, ऑल राइट, मतलब अभी टाइम लगेगा. ओके, खत्म करते हैं हम अपनी बात, मगर ये आखिरी बातचीत नहीं होगी, हम इसके बाद भी बात करते रहेंगे इससे रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड जब भी उनका वक्त आएगा, अभी तो फिलहाल यही चल रहा है. थैंक यू सो मच ये इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें भी थैंक यू देखने के लिए. ऑल्ट न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर करते रहेंगे, यही काम है हमारा. थैंक यू, घर पे रहिए, आराम से चिल करिए, और मतलब ऑप्शन नहीं है, घर से बाहर मत निकलिए, हीरो कतई नहीं बनना है. ऑल राइट, बाय, थैंक यू सो मच. Bye.